जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट फाइन होंगे। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली यूपीएसआई के जो भी बंदे हैं, सर जो है छुट्टी कितनी मिलती है ट्रेनिंग में। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक बन गई है आज की डेट में, क्योंकि अब जो है आपका ट्रेनिंग चालू हो रहा है, तो बहुत लोगों के दिमाग में बहुत चीज चल रहा है। बहुत लोग जो है शादी भी करने वाले हैं, और जाहिर सी बात है शादी तो हो गई है। ऐसे भी दरोगा जो भी कैंडिडेट होंगे, 26-25 इस तरह से उनका एज होगा, तो एज भी शादी की हो ही गई है। तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग टॉपिक बन गया है छुट्टी को लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी छुट्टियां आपको देखने को मिलेगी आपके ट्रेनिंग पीरियड में, और किस किस तरह से छुट्टी आपको देखने को वीडियो मिलेगी। जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जो है अभी जो दरोगा कैंडिडेट है इनके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दरोगा जो होते हैं यूपीएसआई के, इनके ट्रेनिंग में जो है मात्र 10 छुट्टी मिलती है, और ट्रेनिंग जो होता है 365 दिन का होता है, आपको ही पता है। तो मतलब 365 दिन में जो है आपको 10 छुट्टी मिलेगी, और 10 छुट्टी में ही जो है आपको काम चलाना है। देखिए आपको कैसे काम चलेगा ये कि देखिए, अगर आपको शादी वादी करना है भैया, तो आप अभी कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप देख लो, 10 छुट्टी मिलेगा, 10 में आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर रुक जाए तो अच्छी रहेगी। क्योंकि ट्रेनिंग बाद अगर आप शादी करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके हक में जो है 30 दिन CL 30 दिन EL आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है आपको शादी उदी के नाम पर कुछ हो सकता है, आपका अधिकारी रूपी जो है आपको छुट्टी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, देखने को मिल जाए, लेकिन ट्रेनिंग में तो कोई कंसेशन कोई बार्गेनिंग नहीं। तो 365 दिन में जो है आपको ट्रेनिंग में मात्र 10 छुट्टी मिलेगी, वो भी 10 छुट्टी जो है एक बार में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार में ही 10 छुट्टी ले लें, तो इस तरह से नहीं देखने को मिलेगी। और इन 10 छुट्टी में भी जो है आपको एक छुट्टी लेने में जो है बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक। तो आपको छुट्टी जैसे कि बल्क में 10 नहीं मिलेगी, कभी एक मिल जाएगी, कभी दो मिल जाएगी, कभी तीन, कभी चार, इस तरह से आपको छुट्टी देखने को मिलेगी। वो भी स्पेशल कॉज आप दिखाइएगा तब आपको छुट्टी देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको जो है 5 दिन का कहीं छुट्टी मिल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन 10 दिन का लगातार आपको छुट्टी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बहुत लोगों का ऐसे कमेंट आएगा कि सर हमको एग्जाम देना है, जैसे कुछ लोगों को PCS का एग्जाम देना होगा, कुछ लोगों को UPSC BPSC का इस तरह का एग्जाम देना होगा। तो आपको जो है इसमें आपको छुट्टी देखने को बिल्कुल मिल जाएगी, कोई भी अपर ग्रेड का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन बशर्ते वही है कि आप अपनी छुट्टी को संभाल कर रखें इसके लिए, क्योंकि 1 साल में जो है बहुत लंबा होता है। वो भी देखिए, छुट्टी इस तरह से नहीं मिल जाती, अगर आप चाहें कि ले गए एप्लीकेशन में बोले सर छुट्टी दे दे, इस तरह से नहीं होगी, आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, और साथ साथ आपका बिहेवियर भी अच्छा रहना चाहिए। अगर आप वहां पर ज्यादा शैतानी करते हैं, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपको छुट्टी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो जो भी आपका प्रभारी रहेगा वो आपको छुट्टी नहीं देगा। वो सोचेगा कि मान लेते हैं कि यहाँ आपका बिहेवियर ऐसा है, आप घर जाते हैं और वहां जा कोई बवाल कर दिए, मार झगड़ा कर दिए, तो क्या होगा, इससे सब लोग फंस जाएंगे, जो छुट्टी दिया है वो भी फंस जाएगा, सारी चीज देखने को मिलती है। अगर आपका बिहेवियर ठीक ठाक है तो आपको छुट्टी बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन बिहेवियर वही गड़बड़ वड़बड़ है आपका बिहेवियर ट्रेनिंग में, तो आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको रेस्ट वगैरह उसमें मिलता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, संडे को आपको हल्का फुल्का रेस्ट देखने को मिलेगा, पीटी परेड नहीं होता है, सोशल वगैरह होता है, बाकी आपका काम चलता है। और फिर से जो एक मेंटेनेंस डे के नाम पे भी जो है आपको थोड़ा बहुत रेस्ट देखने को मिल जाता है, उस दिन भी जो है आपका शस्त्रों की सफाई वगैरह इस तरह से चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो भी चाहते हैं फैमिली वगैरह से मिलना, तो वहाँ पे अपने फैमिली को बुलाकर मिल सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। मार्केट वर्केट भी जाने का आपको समय मिलता है, जैसे कि जो भी नजदीक में मार्केट रहता है वहाँ पे जाके आप सामान वगैरह परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो जो है ट्रेनिंग में आपको हैवी डाइट लेना पड़ता है, तो मार्केट वगैरह जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन घर जाने के लिए आपको थोड़ा सा परमिशन नहीं मिलता है। आपकी छुट्टी से रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्लियर चल रहा होगा तो आप लोग उसको जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।